फुल आंसर्स क्लास एट्थ इंग्लिश का ओके okay? आपको फर्स्ट में जो ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन दिए हैं टू मार्क्स का इच क्वेश्चन है पचास मार्क्सिंग का है तो फुल पचास मार्क्स आउट ऑफ पचास यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन भी है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे तो आप सारी पी डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है तो आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पर आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ ओके सबसे पहले फास्ट सर्च कीजिए एयर एफ इंडिया डॉट कॉम ये फास्ट सर्च आपको करना है इससे आप डायरेक्टली पी को डाउनलोड कर सकते हो इसीलिए ओके क्लास एट्थ इंग्लिश करके सर्च कर लीजिएगा वहाँ पूरी पी अवेलेबल है आंसर की की ओके जो बच्चे हुए आंसर हैं उनकी भी पी डी एफ सो फर्स्ट का आंसर आपका सी हो जाएगा ओके फटाफट से नोट कीजिए सेकंड का डी हो जाएगा थर्ड का आंसर सी ओके फोर्थ का आंसर डी फिफ्थ का ऑल्सो डी हो जाएगा सिक्स का आपका बी हो जाएगा सेवन्थ का भी ऑल्सो एट्थ का भी ए एंड नाइन्थ का क्या हो जाएगा ए ओके okay, फिर हम बढ़ते हैं टेंथ क्वेश्चन पे जिसका आंसर बी है इलेवेंथ का हो जाएगा सी ठीक है नेक्स्ट ट्वेल्व इसका आंसर भी ए हो जाएगा थर्टीन का भी ए फोर्टीन का आंसर सी हो जाएगा फिफ्टीन का आंसर हो जाएगा आपका डी ओके राइट आंसर सी है इसके बाद सिक्सटीन पे बढ़ते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है सेवनटीन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एटीन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और नाइन्टी का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी और ट्वेंटी का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओके फिर ट्वेंटी हम पढ़ते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्वेंटी टू का राइट आंसर सी ट्वेंटी थ्री का ए ट्वेंटी फोर का बी एंड ट्वेंटी फाइव का बी बी ठीक है आप इसको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन पेपर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है उसको भी देख लीजिएगा और नेक्स्ट में आगे मैं आपको पी डी एफ कैसे डाउनलोड करना है हाउ टू डाउनलोड दी पेपर पी डी एफ ये आपको फुल प्रोसेस बताई गई है देख लीजिएगा और क्वेश्चन पेपर के साथ में भी यदि आप इसके आंसर चाहते तो कमेंट कीजिए नेक्स्ट में आपको वीडियो मिलेगी आप वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर पे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें सो फ्रेंड्स मिलते हैं रहे वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू हंड्रेड परसेंट रियल क्वेश्चन पेपर क्लास एट्थ इंग्लिश ओके क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट थ्री समेटिव असेसमेंट टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री सब्जेक्ट एट्थ इंग्लिश ओके सो यहाँ पर आपका रियल पेपर हम देख रहे हैं क्लास एट्थ इंग्लिश का फुल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए सबसे फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों मैं अभी तक शेयर नहीं करा है वीडियो तो शेयर कीजिए कल के की एग्ज़ाम पेपर में 25 अप्रैल का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए सेम क्वेश्चन पेपर आपको आएगा सो तो इसके लिए आप तैयारी कर लीजिए यही 100 परसेंट क्वेश्चन पेपर आपका है ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं फिफ्टी मार्क्स का आपका होने वाला है यस्टरडे मॉर्निंग माई पेरेंट्स डैश फॉर वीक बिफोर आई वॉकअप

ओके सो राइट आंसर आपका होगा विदाउट चेंज करके हमें यहाँ पर लिखना है तो रेन विध आएगा ओके ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट फॉर्म ऑफ इन स्पीच फॉर द बिलो सेंटेंस शी टू द बॉय वॉय डिड यू डू सच अ सीली थिंग ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज द स्ट्रेस्ड सिलेबल इन द वर्ड रिलेशन सो यहाँ पर uh, कौन सा होगा आपको बताना है ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी एन अप्रोप्रियट क्वेश्चन फॉर द आंसर बिलो question yes he completed the test on time does he complete the test on time shall he complete the test on time did he complete the will he complete the test on time so which is the correct answer you choose it this is 13 questions also okay select the part of the sentence that contains the noun phrase here you see that question 14 also select the correct pair of words to complete the sentence This is your question. Question fifteen. Uh, look at the crossword below. This is crossword. Okay. This is listen. Which of the following words can complete the crossword such that the common letter T is pronounced the same way as in uh, to listen? तो uh, listen कि जैसे आपको यहाँ पर एक crossword में बनाना है कौन सा वर्ड आप का आएगा? Okay. So आप decide कीजिए right words कौन सा हो सकता है? Okay. W R I T E R writer हो सकता है या S T A T U S क्या होगा इसमें? जो कि कॉमन लेटर जिसमें टी सेम वे लिसन जिसमें टी क्या हो साइलेंट हो ओके okay? तो यहाँ पर आपको देखना है किस में टी साइलेंट हो रहा है स्टेटस राइटर कैस्टल कास्टल ओके सो आप देख लीजिएगा इसमें नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ड्यूरिंग विच मंथ इन इज दिस ड्रिंक टिपिकली कंज्यूम्ड कौन से मंथ में हम ड्रिंक uh, जो है uh, ज्यादातर कंज्यूम्ड करते ओके सो okay? so, हम अप्रैल से जून के मध्य में करते हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इन विच ऑफ दिस बुक्स आर लाइकली टू फाइंड द पैसेज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन मैंगो पन्ना सेट टू बी कूलिंग ग्रीन मैंगो पन्ना को कूलिंग यानी ठंडा क्यों कहा जाता है बिकॉज ग्रीन मैंगो प्रॉपर्टीज बिकॉज इट्स टेकन फ्रॉम फ्रीज बिकॉज द मैंगो यूज इन हार्वेस्टेड इन समर ओके सो आई थिंक कूलिंग प्रॉपर्टीज दिस इज योर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सो so, यहाँ पर आपको क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर मार्क्स है ट्वेंटी सिक्स से आगे भी क्वेश्चन है सेक्शन बी स्टार्ट है इसमें इसके पहले आपको पूरे फिफ्टी क्वेश्चन थे यूजिंग ऑफ ऑल ऑफ़ द हिंट्स गिवन बिलो एट टू सेंटेंस टू कम्प्लीट द स्टोरी बिग स्नेक अवे चेस्ट ट्राई ओके स्टोरी बनाना ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट देख लेते हैं रिसेंटली केम बैक फ्रॉम अ फैमिली ट्रिप टू योर विलेज राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर एक्सपीरियंस इन फिफ्टी सिक्सटी आप कहाँ पर गए थे आप एक फैमिली ट्रिप पर गए थे उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन तैयार करना है पचास से साठ वर्ड में नेक्स्ट क्या है एक पैराग्राफ टॉपिक वन थिंग आई वांट टू डू बाय द टाइम आई लिव इट ग्रेड ठीक है हम क्या करना चाहते हैं आप एक चीज़ वो आपको लिखना एक्सप्लेन करना है प्रत्येक क्वेश्चन सिक्स मार्क का होगा यहाँ पर आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ठीक है ये क्वेश्चन का आंसर देना यहाँ पर एक एलिफेंट की स्टोरी दी है जिसको आपको पढ़ना है और बहुत डिफरेंट स्टोरी है जो आपने कभी सुनी नहीं होगी वैसे एक एलिफेंट जो उड़ सकता है हवा में ठीक है तो उसके बारे में आप चित्र देखकर समझ सकते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा क्या मानव डर जाएगी ह्यूमन से ठीक है एलिफेंट से उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर और नेक्स्ट ठीक है वॉट डिड गॉड टू डू विद द विंग्स ही रिमोट फ्रॉम द एलिफेंट्स ठीक है एटीन है वाई डिड द हाउस कोलाप्स वेन एलिफेंट सीट ऑन द रूट फोट रूफ स्टॉप्स ओके वाई डिड गॉड इन वाइट द एलिट्स और ये सारी आंसर की पी आप डाउनलोड कर सकते हैं ये फुल पी आपको मिल जाएगी कहाँ पर गूगल पर आ टाइप कर लीजिएगा एयर ऑफ़ इंडिया डॉट कॉम यह आंसर की आपको इसी साइट पर मिलेगी फटाफट से सर्च करो वहीं पर आप अपलोड होने वाली है आपको पूरी आंसर की आपके क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक के पूरी आंसर की वहीं पर पुटअप की गई है तो आप जल्दी से जाकर आंसर की को डाउनलोड कर लीजिए वाट डज दिस लाइन इन द स्टोरी टेलर्स ये लाइन क्या हमें टेल करती है बताना है ओके दिस स्टोरी टेल करती है हाउ टू मेक ग्रीन मैंगो पन्ना मैंगो पन्ना आपने खाया होगा पिया होगा सॉरी कच्चे मैंगो का बनता है ठीक है और शरीर को ठंडक देता है कच्ची कैरी हम लाते हैं आम पन्ना बनाते हैं ना जिसको हम कहते हैं हिंदी में बिल्कुल उसमें हम थोड़ी सी शक्कर मिला देते हैं और जो है ब्लैक सॉल्ट मिला देते हैं और मिक्स करके हम उसको पीते हैं बहुत बढ़िया बनता है शुगर वगैरह मिलाते हैं थोड़ा सा तो ये आइटम्स दिए उसमें इंस्ट्रक्शन भी है पहले मैंगो को अच्छे से धुलना है फिर उसको कट करना है फिर उसके लिए एक कप वाटर हमें चाहिए ठीक है और थोड़ा सा सिमर भी ले सकते हो चाहो तो ठीक है इसमें आपको पूरी प्रोसेस दी गई आपके घर पे माँ माता जी बनाती होंगी तो उनको अच्छे से आता है तो आप उनसे भी पूछ कर इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा ठीक है हाउ लॉन्ग कैन वी वीक कितने दिनों तक हम इसको रख सकते हैं क्वेश्चन में दिया है ठीक है मंथ फॉर वन मंथ ओके यहाँ पर लास्ट में ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड फॉर मेकिंग द जूस ठीक है क्या नहीं चाहिए तो वो है फ्रिज नहीं चाहिए ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स uh, क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज हैज अ वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट बिना ऑब्जेक्ट के कौन सा वर्ब है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिए गए ओके सिलेक्ट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस फुल का अपोजिट होता है एमपट्टी फुल यानी एकदम भरा हुआ एमपटी यानी खाली ओके okay? और नेक्स्ट भी यहाँ पर आपको इसी पे दिया है तो इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए ये आपके लास्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी नाइन यूर ग्रैंड मदर हैज़ ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश टू यू टॉट हर इंग्लिश अल्फाबेट आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम स्कूल राइट अ डायरी एंट्री शेयरिंग द एक्सपीरियंस सिक्सटी टू सेवेंटी आपकी दादी माँ इंग्लिश बहुत दिनों सीखना चाहती थी ठीक है हमेशा और आपने स्कूल से आकर उनको इंग्लिश सिखाई तो आप अपने डायरी में एंट्री कीजिए कि आपने क्या क्या उनको सिखाया ठीक है क्या बातचीत हुई वो और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है एट uh, मार्क्स का है सेक्शन नंबर डी लास्ट सेक्शन है थर्टीन क्वेश्चन यूर यंगर सिस्टर हैज़ अर फाइनल एग्जाम नेक्स्ट मंथ शी नीड हेल्प विथ हर प्रिपेरेशन राइट अ लेटर टू हर इन वन हंड्रेड टू ट्वेंटी वर्ड्स शेयरिंग अ फ्यू स्टडी टिप्स एंड टिप टाइम मैनेजमेंट टिक्स दैट हैव बीन हेल्पफुल टू यू तो यहाँ पर आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है इसमें आपको जो आपकी यंगर सिस्टर्स के फाइनल एग्जाम से नेक्स्ट मंथ आप उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करूंगी आपको बताना है ठीक है so, सो ये फुल क्वेश्चन पेपर मैंने आपको प्रोवाइड किया है क्लास एट्थ का है आपका और पूरा क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कीजिए पूरा रियल पेपर है आपको श्योर है यही पेपर आएगा ओके okay? सो so, फटाफट से क्वेश्चन पेपर के लिए पी के लिए गूगल पर सर्च करेंगे गेयरअप कैसे डाउनलोड करें आगे बताया गया मिलते हैं वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग अब हम देख लेते हैं आप पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करेंगे सबसे पहले आप गूगल पर आ जाइए ठीक है जहां पर सर्च करते हो सर्च बटन पर आपको आना है और देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा क्या टाइप करना है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एआरएफ इंडिया डॉट कॉम एट क्लास ठीक है देखिए यहाँ पर पहले से टाइप किया है तो मैं इसी को क्लिक करी आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो टाइप भी कर सकते हो फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है तो आप इसी पर क्लिक कर सकते हो इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो भी मिल जाएगी तो ये जो पीडीएफ डाउनलोड करने की प्रोसेस इसमें से आप आगे से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को ठीक है फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू हंड्रेड परसेंट रियल क्वेश्चन पेपर क्लास एट्थ इंग्लिश ओके क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट थ्री समेटिव असेसमेंट टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री सब्जेक्ट एट्थ इंग्लिश ओके सो यहाँ पर आपका रियल पेपर हम देख रहे हैं क्लास एट्थ इंग्लिश का फुल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए सबसे फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों मैं अभी तक शेयर नहीं कराया वीडियो तो शेयर कीजिए कल के एग्जाम पेपर में 25 अप्रैल का जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए सेम क्वेश्चन पेपर आपको आएगा सो तो इसके लिए आप तैयारी कर लीजिए यही 100 परसेंट क्वेश्चन पेपर आपका है ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं फिफ्टी मार्क्स का आपका होने वाला है यस्टरडे मॉर्निंग माई पेरेंट्स डैश फॉर वीक बिफोर आई वॉकअप

ओके सो राइट आंसर आपका होगा विदाउट चेंज करके हमें यहाँ पर लिखना है तो रेन विथ आएगा ओके ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर नेक्स्ट है ऑफ द द फॉलोइंग गिव करेक्ट फॉर्म ऑफ इन स्पीच फॉर द बिलो सेंटेंस शी टू द बॉय वाई डिड यू डू सच अ सीली थिंग ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज द स्ट्रेस्ड सिलेबल इन द वर्ड रिलेशन सो यहाँ पर uh, कौन सा होगा आपको बताना है ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी एन अप्रोप्रियट क्वेश्चन फॉर द आंसर बिलो question yes he completed the test on time does he complete the test on time shall he complete the test on time did he complete the will he complete the test on time so which is the correct answer you choose it this is 13 questions also okay select the part of the sentence that contains the noun phrase here you see that question 14 also select the correct pair of words to complete the sentence दिस इज question. Question क्वेश्चन uh, Look at the crossword below. This is crossword. Okay. This is listen. Which of the following words can complete the crossword such that the common letter T is pronounced the same way as in listen? Uh, तो लिसन के जैसे ही आपको यहाँ पर एक क्रॉस वर्ड में बनाना है कौन सा वर्ड आपका आएगा ओके okay, सो so आप डिसाइड कीजिए राइट वर्ड्स कौन सा हो सकता है ओके डब्ल्यू आर आई टी ई आर राइटर हो सकता है या एस टी ए टी यू एस क्या होगा इसमें जो कि कॉमन लेटर और जिसमें टी सेम वे लिसन जिसमें टी क्या हो साइलेंट हो ओके okay? तो यहाँ पर आपको देखना है किस में टी साइलेंट हो रहा है वेस्टेड स्टेटस राइटर कैस्टल कास्टल ओके सो आप देख लीजिएगा इसमें नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ड्यूरिंग विच मंथ इन इज दिस ड्रिंक टिपिकली कंज्यूम्ड कौन से मंथ में हम ड्रिंक uh, जो है uh, ज़्यादातर कंज्यूम्ड करते ओके सो so, हम अप्रैल से जून के मध्य में करते हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इन विच ऑफ दिस बुक्स आर लाइकली टू फाइंड द पैसेज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द ग्रीन मैंगो पन्ना सेट टू बी कूलिंग ग्रीन मैंगो पन्ना को कूलिंग यानी ठंडा क्यों कहा जाता है बिकॉज ग्रीन मैंगो द मैंगो यूज इन हार्वेस्टेड इन समर ओके सो आई थिंक कूलिंग प्रॉपर्टीज दिस इज योर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सो so, यहाँ पर आपको क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर मार्क्स है ट्वेंटी सिक्स से आगे भी क्वेश्चन सेक्शन बी स्टार्ट है, है. इसमें इसके पहले आपको पूरे फिफ्टी क्वेश्चन थे यूजिंग ऑफ ऑल ऑफ़ द हिंट्स गिवन बिलो एट टू सेंटेंस टू कंप्लीट द स्टोरी बिग स्नेक अवे चेस्ट ट्राई ओके स्टोरी बनाना ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट देख लेते हैं रिसेंटली केम बैक फ्रॉम अ फैमिली ट्रिप टू योर विलेज राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर एक्सपीरियंस इन फिफ्टी सिक्सटी आप कहाँ पर गए थे आप एक फैमिली ट्रिप पर गए थे उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन तैयार करना है पचास से साठ वर्ड में नेक्स्ट क्या है एक पैराग्राफ टॉपिक वन थिंग आई वांट टू डू बाय द टाइम आई लिव एट ग्रेड ठीक है हम क्या करना चाहते हैं आप एक चीज़ वो आपको लिखना एक्सप्लेन करना है प्रत्येक क्वेश्चन सिक्स ये मार्क का होगा यहाँ पर आपको आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ठीक है ये क्वेश्चन का आंसर देना यहाँ पर एक एलिफेंट की स्टोरी दी है जिसको आपको पढ़ना है और बहुत डिफरेंट स्टोरी है जो आपने कभी सुनी नहीं होगी वैसे एक एलिफेंट जो उड़ सकता है हवा में ठीक है तो उसके बारे में आप चित्र देख कर समझ सकते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ विच ऑफ दिस फर्स्ट ह्यूमन द एलिफेंट्स इनमें से क्या होगा क्या मानव डर जाएगी ह्यूमन से ठीक है एलिफेंट से उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर और नेक्स्ट ठीक है वॉट डिड गॉड टू डू विद द विंग्स ही रिमोट फ्रॉम द एलिफेंट्स ठीक है एटीन है वाई डिड द हाउस कोलाप्स वेन एलिफेंट इट ऑन द रूट फोर्ट रूफ स्टॉप्स ओके वाई डिड गॉड इन वाइट द एलिफेंट्स टू अ फिस्ट और ये सारी आंसर की पी आप डाउनलोड कर सकते हैं ये फुल पी आपको मिल जाएगी कहाँ पर गूगल पर आकर टाइप कर लीजिएगा एयर एफ इंडिया डॉट कॉम ये आंसर की आपको इसी साइट पर मिलेगी फटाफट से सर्च करो वहीं पर अब अपलोड होने वाली है आपको पूरी आंसर की आपके क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक के पूरी आंसर की वहीं पर पुटअप की गई है तो आप जल्दी से जाकर आंसर की को डाउनलोड कर लीजिए वाट डज दिस लाइन इन द स्टोरी टेलर्स ये लाइन क्या हमें टेल करती है बताना है ओके जिस स्टोरी कैटेल करती है हाउ टू मेक ग्रीन मैंगो पन्ना मैंगो पन्ना आपने खाया होगा पिया होगा सॉरी कच्चे मैंगो का बनता है ठीक है और शरीर को ठंडक देता है कच्ची कैरी हम लाते हैं आम पन्ना बनाते हैं ना जिसको हम कहते हैं हिंदी में बिल्कुल उसमें हम थोड़ी सी शक्कर मिला देते हैं और जो है ब्लैक सॉल्ट मिला देते हैं और मिक्स करके हम उसको पीते हैं बहुत बढ़िया बनता है शुगर वगैरह मिलाते हैं थोड़ा सा तो ये आइटम्स दिए उसमें इंस्ट्रक्शन भी है पहले मैंगो को अच्छे से धुलना है फिर उसको कट करना है फिर उसके लिए एक कप वाटर हमें चाहिए ठीक है और थोड़ा सा सिमर भी ले सकते हो चाहो तो ठीक है इसमें आपको पूरी प्रोसेस दी गई आपके घर पे माँ माता जी बनाती होंगी तो उनको अच्छे से आता है तो आप उनसे भी पूछकर इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा ठीक है हाउ अ लॉन्ग कैन वी वीक कितने दिनों तक हम इसको रख सकते हैं क्वेश्चन में दिया है ठीक है मंथ ऑफ फॉर वन मंथ ओके यहाँ पर लास्ट में ऑफ फॉलोइंग इज नॉट नीडेड फॉर मेकिंग द जूस ठीक है क्या नहीं चाहिए तो वो है फ्रिज नहीं चाहिए ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स uh, क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज एस्टिमेट हैज अ वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट बिना ऑब्जेक्ट के कौन सा वर्ब है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिए गए ओके सिलेक्ट द अपोजिट ऑफ दी अंडरलाइन वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस फुल का अपोजिट होता है एमपटी फुल यानी एकदम भरा हुआ एमपटी यानी खाली ओके okay? और नेक्स्ट भी यहाँ पर आपको इसी पे दिया है तो इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए ये आपके लास्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी नाइन यूर ग्रैंड मदर हैज़ ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश टू यू टॉट हर इंग्लिश अल्फाबेट आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम स्कूल राइट अ डायरी एंट्री शेयरिंग द एक्सपीरियंस सिक्सटी टू सेवेंटी आपकी दादी माँ इंग्लिश बहुत दिनों सीखना चाहती थी ठीक है हमेशा और आपने स्कूल से आकर उनको इंग्लिश सिखाई तो आप अपने डायरी में एंट्री कीजिए कि आपने क्या क्या उनको सिखाया क्या बातचीत हुई वो और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है एट uh, मार्क्स का है सेक्शन नंबर डी लास्ट सेक्शन है थर्टीन क्वेश्चन यूर यंगर सिस्टर हैज अर फाइनल एग्जाम नेक्स्ट मंथ शी नीड हेल्प विथ हर प्रिपेरेशन राइट अ लेटर टू हर इन वन हंड्रेड टू ट्वेंटी वर्ड्स शेयरिंग अ फ्यू स्टडी टिप्स एंड टाइम मैनेजमेंट टिक्स दैट हैव बीन हेल्पफुल टू यू तो यहाँ पर आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है इसमें आपको जो आपकी यंगर सिस्टर्स के फाइनल एग्जाम से नेक्स्ट मंथ आप उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करूँगी आपको बताना रहे ठीक है सो ये फुल क्वेश्चन पेपर मैंने आपको प्रोवाइड किया है क्लास एट्थ का है आपका और पूरा क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कीजिए पूरा रियल पेपर है आपको श्योर है यही पेपर आएगा ओके सो so, फटाफट से क्वेश्चन पेपर के लिए पी के लिए गूगल पर सर्च करेंगे गेयर कैसे डाउनलोड करें आगे बताया गया मिलते ना वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग ये अब हम देख लेते हैं आप पी को कैसे डाउनलोड करेंगे सबसे पहले आप गूगल पर आ जाइए ठीक है जहां पर सर्च करते हो सर्च बटन पर आपको आना है और देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा क्या टाइप करना है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ए आर एफ इंडिया डॉट कॉम एट्थ क्लास ठीक है देखिए यहाँ पर पहले से टाइप किया है तो मैं इसी को क्लिक करी आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो टाइप भी कर सकते हो फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है तो आप इसी पर क्लिक कर सकते हो इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो भी मिल जाएगी तो ये जो पीडीएफ डाउनलोड करने की प्रोसेस इसमें से आप आगे से डाउनलोड कर सकते हो पी को ठीक है